Rómat. Rómat. तुम घर क्यों नहीं जाती? कहाँ जाओ, मेरा कोई घर नहीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ गुजर गई। अब समझा। तो तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी की और तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें पाला, है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। पूरे 65 साल का हूँ और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत सताती है। बस यही तुम्हारा अंदाजा गलत हो गया। क्या मतलब? वो मुझे बहुत प्यार करती है। पिताजी की मौत के बाद उसी ने मेरी देखभाल की। पिता के पास से जो कुछ भी उसे मिला उसने मुझ पर खर्च कर दिया। फिर तुम्हें तकलीफ ही क्या है? माचिस। माचिस? हे भगवान, वहां तो मेरी दाल जली गई होगी। जाओ, देर हो गई है, घर जाओ। मैंने कहा ना, मेरा कोई घर नहीं। पर तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। इसीलिए मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कौन होती हूँ उसे तकलीफ देने वाली? तुम्हें पूरा हक है। आखिर तुम उसकी पति की संतान हो, और ये क्या कम है? मैं किसी की दया और दान पर जिंदा नहीं रहना चाहती। अच्छा, तब तो तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो तुम्हारी शादी नहीं कर देते हैं। पर मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैंने अपनी सौतेली माँ को रात रात भर जागते देखा है मेरी वजह से। उन्हें मेरे भविष्य की, मेरी शादी की बहुत चिंता लगी रहती है। कॉलेज में 20 रुपए तो महीने की फीस भरनी पड़ती है। 20 रुपये? मेरी महीने की तनख्वाह भी उतनी नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे 20 रुपये। आज तक मैं इसी उम्मीद पर थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पर आज सुबह जब मैंने कॉलेज का नोटिस बोर्ड देखा तो उसमें सबके नाम थे, मेरा ही नहीं था। अब तो मेरे माँ और भाई मेरी शादी कर ही देंगे। कल कोई मुझे देखने के लिए आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे शादी कर लो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे दुख दर्द का।